वेलकम टू माय चैनल वेडिंग वाइब। तो गाइस आज का वीडियो है नेल जो है 199 की कलर बार नेल पेंट एंड 25 रुपीज की नेल थ्रेड नेल पेंट। इन दोनों में से कौन सा नेल कलर अच्छा है वो आज के वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ में देखने वाले कि जिन लड़कियों को नेल कलर लगाने में दिक्कत होती हो, जिनको अच्छे से नेल कलर नहीं लगाना आता हो, उनको हम बताने वाले हैं कि नेल कलर कैसे अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारे नेल्स और सुंदर दिखे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ग्रीन कलर का नेल कलर है, इसको हमें अप्लाई करना है। आप देख सकते हो कि बहुत धीरे धीरे अप्लाई करना है इसको, और ये नेल्स के 3 स्ट्रोक में लगाऊंगी नेल्स पे। पहला जो है बहुत धीरे से लगाना है, ये देखिए आप, बहुत धीरे से लगाना है। फिर सेकंड, और उसके बाद थर्ड, और जो बाहर निकला हुआ है उसको हमें नेल्स से साफ करना है ताकि हमारा नेल्स जो है वो क्लीन लगे, क्लीन दिखे और बहुत अच्छे से उसका लुक आए। अभी हम यूज करेंगे नेल थ्रेड कलर का पर्पल कलर। इसको भी आप देख सकते हो कि हमें बहुत ही आराम से लगाना है। अपने ब्रश पे जो है स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा सा ही नेल कलर लेना है ताकि ज़्यादा एकदम से ना लगे। ये देखिए, ये पहली स्ट्रोक में लगाना है बहुत आराम से। फिर हाफ नेल्स में सेकंड स्ट्रोक, और थर्ड में जो है हमें पूरे नेल्स को कवर करना है कि कहाँ कहाँ नेल्स हमारा बचा हुआ है, जहाँ पर कलर नहीं लगा हुआ है वहाँ पर हमें अप्लाई करना है। सेम दूसरी तरफ भी ये हमें 3 स्ट्रोक में है अपने नेल्स को पूरा कंप्लीट करना है। बहुत ही थोड़ा सा ब्रश में नेल कलर लेना है। अगर ज़्यादा हम अपने ब्रश में नेल कलर लेंगे तो वो बहुत ही नेल के बाहर चला जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और हाँ, नेल्स कलर लगाने के बाद हमें डबल कोट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि गाइस अगर हम डबल कोट नहीं करेंगे अपने नेल्स को तो जैसे हमारे बॉटल में नेल कलर की बॉटल में जैसा कलर है वैसा हमें सेम नेल्स पे नहीं लगेगा। तो डबल कोट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे नेल्स और अच्छे से गुड लुकिंग दिखे। ये देखिए आप, ये बहुत छोटी सी हुई है, तो इसको हमें 2 स्ट्रोक में ही कम्प्लीट हो गया है। और तीसरी बार में हमें नेल को पूरा कवर करना है कि जहाँ जहाँ बाकी रह गया हो वहाँ पे हमें नेल कलर बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। और देख सकते हो ब्रश पे बहुत थोड़ा सा ही नेल कलर लिया हुआ है ताकि एकदम से ज़्यादा ना फैले नेल कलर। इस तरीके से आपको बहुत धीरे धीरे लगाना है। अगर आप इस तरीके से नेल कलर अप्लाई करोगे तो आपके नेल्स जो है वो नेल कलर आपका बहुत सही से अप्लाई होगा और बाहर भी नहीं निकलेगा, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और डबल कोट करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो डबल कोट करने के बाद नेल्स जो है काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से देखिए, आपको पहले कोट में बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लगा हुआ है और थोड़ा सा बाहर निकल गया, तो क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पर आराम से लगाना है, दोबारा बाहर निकल गया, क्लीन करना पड़ेगा। अभी देखिए कितने अच्छे हमारे नेल्स दिख रहे हैं यार, वाओ। बताना है कि ये 199 की नेल कलर जो है ये भी 4 to 5 डेज रहती है, एंड 50 रुपीज में बाय वन गेट वन नेल पेंट आती है वो भी 4 to 5 डेज या 1 हफ्ते तक हमारे नेल्स पे बहुत अच्छे से रहती है, जिससे हमें बार बार नेल कलर अप्लाई नहीं करना होता है। तो इस प्राइस के हिसाब से मुझे ये 50 रुपीज की बाय वन गेट वन नेल कलर मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि 199 के हिसाब से ये नेल कलर बहुत ही अच्छा है। तो गाइज, ये जो नेल कलर है पासी के रिलायंस सिटी में आपको बाय वन गेट वन, मेरा तो नेल कलर का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आप भी ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।